ग्रामीण क्षेत्र में लगातार हो रहे रेत के अवैध उत्खनन और उसके बाद भाजपा की पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के द्वारा वर्चस्व को लेकर निकाली गई एक विशाल रैली पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गई है। लिहाजा अवैध खनन रोकने और बिना जिला प्रशासन की अनुमति के द्वारा किए जा रहे शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए अब ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस रोजाना ही फ्लैग मार्च करेगी। जबलपुर रेंज के IG भगवत सिंह चौहान के निर्देश पर जिले के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। नर्मदा नदी की सीमा से लगे बरगी शहपुरा तिलवारा भेड़ाघाट के आसपास लंबे समय से अवैध रेत उत्खनन हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि हाल में वर्चस्व को लेकर पूर्व भाजपा विधायक के द्वारा निकाली गई रैली से कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व विधायक ने रेत खनन पर अपनी ताकत दिखाने के लिए रैली निकाली थी। लिहाजा अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। अब जैसे ही पुलिस को सूचना मिलेगी किस स्थान पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है वैसे ही मौके पर पहुंचकर पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग अपने देहात अनुभाग में कई जगह से रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत मिल रही है, जिस पे हमारी अभी टीम जा रही है, सभी चीज़ों का भ्रमण करेगी। हमने सभी चिन्हित स्थानों पे मुखबिर लगाए हुए हैं, अभी फ्लैग मार्च भी निकाल रहे हैं और इन पे कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और अपराध भी पंजीबद्ध करेंगे। इस प्रकार से अवैध उत्खनन या परिवहन पे जो भी वाहन मिलते हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है।